प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। इस पर हैरानी नहीं कि कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे में कथित गड़बड़ी को चुनावी हथियार बनाने का फैसला किया। खुद राहुल गांधी पिछले कुछ समय से इस सौदे को जिस तरह महंगा सौदा करार देने में लगे हुए थे, उससे यह साफ था कि कांग्रेस इस मसले में अपना राजनीतिक हित देख रही है। कांग्रेस राफेल सौदे को शायद इसलिए चुनावी मसला बना रही है क्योंकि वह इससे अवगत है कि बोफोर्स तोप सौदे में दलाली के मसले के साथ संप्रग शासन में घपले घोटालों के मामलों ने उसे कैसे दिन दिखाए। पैरा निसंदेह उच्च स्तर का भ्रष्टाचार हमेशा से लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहा है, लेकिन यह कहना कठिन है कि आम जनता राफेल सौदे में कथित गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोप को भ्रष्टाचार के मसले के तौर पर देखेगी। कांग्रेस किसी भी मसले को अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उसकी दाल तब गलेगी जब सरकार उस मसले पर रक्षात्मक नजर आएगी या फिर विपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने से बचेगी। पैरा राफेल सौदे को लेकर सरकार लगातार यह दावा करती चली आ रही है कि इससे बेहतर सौदा और कोई नहीं हो सकता, लेकिन वह गोपनीयता संबंधी प्रावधान का हवाला देकर सारी जानकारी सार्वजनिक करने को तैयार भी नहीं। सरकार की माने तो ऐसा करने से राफेल लड़ाकू विमान की विशेषताएं दुनिया को पता लग जाएगी। निसंदेह इस तर्क का अपना महत्व है, लेकिन देखना यह होगा कि आम जनता इस मामले में उससे सहमत होती है या नहीं। पैरा इसमें संदेह है कि कांग्रेसी नेताओं के कहने भर से जनता राफेल सौदे में भ्रष्टाचार होने की बात सही मान लेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी यह छवि बनाई है कि वह भ्रष्टाचार को सहन करने के लिए तैयार नहीं। यह एक तथ्य भी है कि सरकार के उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राफेल सौदे को लेकर पहले खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि वह सारी जानकारी सामने रखेंगी। बाद में उन्होंने कहा कि गोपनीयता संबंधी प्रावधान के चलते वह ऐसा नहीं कर सकती। पैरा अब जब कांग्रेस ने राफेल सौदे को तूल देने का इरादा स्पष्ट कर दिया है, तो सरकार को कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह इस मसले पर कुछ छिपाती हुई ना दिखे। बेहतर होगा कि वह ऐसे जतन करे जिससे कांग्रेस के आरोपों की
हवा भी निकल जाए और राफेल सौदे की गोपनीयता भी भंग ना हो, कांग्रेस के लिए भी यह जरूरी है कि वह राफेल सौदे में गड़बड़ी के अपने आरोपों के पक्ष में कुछ प्रमाण सामने रखे। वैसे यदि उसके पास अपनी बात साबित करने के पक्ष में कुछ सूचना सामग्री है तो वह अदालत का रुख क्यों नहीं करती? पैरा, अगर कांग्रेस राफेल सौदे को एक बड़ा मसला बनाने को लेकर वास्तव में गंभीर है तो फिर उसे यह भी पता होना चाहिए कि इस सौदे की समीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ओर से की जा रही है। यदि कैग ने अपनी समीक्षा में इस सौदे को सही पाया तो कांग्रेस के चुनावी औजार की हवा निकल सकती है। पैरा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह बात तो पते की कही कि आरक्षण नौकरी की गारंटी नहीं है, लेकिन उनकी यह साफ गोई मोदी सरकार के समक्ष मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि नौकरियां घटती जा रही हैं। उनकी ओर से यह साफ किया गया कि एक तो सूचना तकनीक के कारण नौकरियां कम हो रही हैं और दूसरी ओर सरकारी भर्तियां बंद है। इसका तो यही मतलब हुआ कि सरकार अपनी जिम्मेदारियां कम करके निजीकरण की ओर बढ़ रही है। निसंदेह यह चलन नया नहीं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र के मुकाबले सरकारी क्षेत्र अकुशल साबित होने के साथ ही लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। शायद इसी कारण केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, लेकिन इन लाखों रिक्त पदों के रहते यह दावा कैसे किया जा सकता है कि पर्याप्त संख्या में रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं? यह समय की मांग और जरूरत है कि केंद्रीय सत्ता अपनी रोजगार नीति को लेकर कोई संशय न रखे और इसे बार बार दोहराने में संकोच न करे कि आज के युग में कोई भी सरकार अपने बलबूते सबको नौकरियां नहीं उपलब्ध करा सकती। इससे सभी को अवगत भी होना चाहिए कि रोजगार का मतलब केवल नौकरियां और वह भी सरकारी नौकरियां नहीं होता और ना हो सकता है। जब सरकारी नौकरियों में कमी एक सच्चाई है, तब सरकार को यह देखना होगा कि निजी क्षेत्र रोजगार देने के मामले में समावेशी दृष्टि से लैस नजर आए। पैरा, यह भी आज का यथार्थ है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जरूरी होता जा रहा है। यह अच्छा है कि नितिन गडकरी
आर्थिक आधार पर आरक्षण को वक्त की जरूरत बता रहे हैं, लेकिन कब तक केवल सुझाव और सलाह देने तक सीमित रहा जाएगा।